हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने टीवी के रिमोट की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप बहुत ही इजीली अपने मोबाइल फ़ोन को अपने टीवी का रिमोट बना सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही एक और एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे अगर आपके मोबाइल फ़ोन में इंफ्रारेड है तो आप अपने टीवी के सेट टॉप बॉक्स को, अपने एसी को या फिर अगर किसी प्रोजेक्टर को आप ऑपरेट करना चाहें तो इन सभी को डायरेक्टली अपने मोबाइल फोन से ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इनको आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आपके पास सोनी ब्रांड का टीवी है और आप अपने मोबाइल फोन को एक रिमोट की तरह यूज करना चाहते हैं उस टीवी के लिए, तो सबसे पहले आप उसके लिए प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ पे सोनी टीवी रिमोट ऐप को सर्च कीजिए और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और दोस्तों, इसके बाद आप अपने टीवी के वाईफाई को ऑन कर लीजिए। और दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके टीवी को सर्च कर लेगा और उसके बाद ये जो आपके मोबाइल फ़ोन में अब रिमोट शो हो रहा है ये आपके टीवी के साथ कनेक्ट हो चुका है। और दोस्तों, इसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन में ये जो जितने भी ऑप्शन शो हो रहे हैं इन सब से अपने टीवी को बहुत ही इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप किसी और ब्रांड का टीवी यूज़ कर रहे हैं या फिर आप अपने एसी को या फिर किसी प्रोजेक्टर को आप अपने मोबाइल से कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ पे श्योर यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल ऐप को सर्च कीजिए और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। और दोस्तों, इसके बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और यहाँ से आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं टीवी, सेट टॉप बॉक्स, डिस्प्लेयर, प्रोजेक्टर, तो आप यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन तभी काम करेगी अगर आपके मोबाइल फ़ोन में इंफ्रारेड ब्लास्टर होगा। और दोस्तों, ओके पे क्लिक करने के बाद आप जिस भी डिवाइस को अपने मोबाइल से कंट्रोल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद वो डिवाइस अपने मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों, ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।